हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो यहाँ पर UFO मूवीज़ के Q3 के नंबर्स आ चुके हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे कैसा परफॉर्म किया है और आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले अगर आप रेवेन्यू देखते हो तो 104% का आप इंक्रीमेंट देख सकते हो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो कंपनी ने 104% की ग्रोथ दिखाई है और इस क्वार्टर में 51 करोड़ का रेवेन्यू किया है। अगर आप देखते हैं तो लॉस भी पिछले क्वार्टर में जो 28 करोड़ का था वो 13 करोड़ का हो चुका है, तो यहाँ पर लॉस भी कंपनी का डिक्रीज हो गया है। अब यहाँ पर अगर आप रेवेन्यू देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 96% से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है। मतलब पिछले दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर कर तो ये दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू किया है और 96% इंक्रीज़ किया है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर भी सेम वही है कि पिछले दिसंबर के क्वार्टर में 28 करोड़ का लॉस था और अभी 13 करोड़ का लॉस है, तो यहाँ पर जो लॉस था वो आधे से भी कम हो गया है। तो यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। अब यहाँ पर 5 ईयर हाई की बात करें तो 620 रुपीज़, बट करंटली 103.70 पे ट्रेड कर रहा है, 0.58% डाउन है। तो अगर आपको ये शेयर में निवेश करना हो फॉर अ शॉर्ट टर्म पर्पस, लॉन्ग टर्म के लिए ये नहीं है, तो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए अगर आपको निवेश करना हो तो आप इसमें कर सकते हो। आई होप कि आपको UFO मूवीज़ के रिजल्ट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और इफ़ आपके कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।